हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मेरा नाम है हरीश कुमार और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को हरीश टाइगर मोटो व्लॉगिंग को। ठीक है, सो गाइस, मैंने अभी एक मोटो व्लॉगिंग के लिए एक सेटअप मंगाया है जो कि मैं मोटो व्लॉगिंग करना चाहता हूं। तो उससे पहले मैंने अपना गोप्रो हीरो 9 ये परचेज़ किया है सेकेंड हैंड। ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो कैमरा है जिसके, और इसको रखते हैं साइड में। इसके लिए एक मैंने ये माउंट ख़रीदा है, ठीक है, जिसमें ये लग जाएगा हेलमेट में और इसके बाद में हम अपनी वीडियो शूट कर सकेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें आवाज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हमने अडेप्टर भी परचेज़ किया है। इसमें अडेप्टर में यहाँ पे आपका माइक सेट हो के और वो कैमरे के मेन जो काम रहेगा वो हमारा हेलमेट का रहेगा। ठीक है, जो कि हमारा हेलमेट हम पहले से यूज़ कर रहे हैं, वो हमारा हेलमेट है एक्सोर का। ठीक है, ये एक्सोर का हेलमेट ऐसा है। इसमें मैंने पहले ये ट्रैप सेट करके और यहाँ पे जो इसका माउंट है वो सेट किया हुआ है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम इसको सेट करके आपको मैं दिखाऊंगा और मोटो व्लॉगिंग भी करके दिखाऊंगा। सो गाइस, अभी मैं इसको हटाता हूँ और ये क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। इसको कैसे हटाएंगे, इसको ऐसे हटाएंगे हम, हमारा स्टैंड खुल जाएगा। ठीक है, और इसको हमें ऐसे पुश करके इधर खींचना पड़ेगा। ठीक है, सो गाइस, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम जो अपना गोप्रो है इसकी जो बैटरी का कैप है ये रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, ये हम रिमूव कर देंगे। कैसे होगा भाई, हो गया, ये अलग से रिमूव हो गया, ये आपको ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद में आप फिर अपना कैमरा इसमें ऐसे सेट कर सकते हो। ठीक है, ये कैमरा इसमें लग चुका है हमारा और ऊपर से हम इसके ढक्कन को बंद कर देंगे और ये बैटरी की जो कैप वाला ढक्कन था ये भी हम इसको सेट कर दिया। ठीक है, अब हमारा कैमरा रेडी हो गया है, इसको भी हम थोड़ा ये कर देंगे। ठीक है, टाइट। उसके बाद में हमें एक पैच की और ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमारा मेन कैमरे को इससे अटैच करेगा। ठीक है, ये हमारा कैमरा भी इसमें अब अटैच हो चुका है। ठीक है गाइस, और इसके बाद में क्या था, इसके बाद में हमारा ये माइक भी हमने यहाँ पे सेट कर दिया है गाइस। और अभी हम यहाँ पे इसको ऐसे ऐड कर देंगे। ठीक है, और मैंने अपना गोप्रो हीरो 9 चालू कर दिया। ठीक है, तो ये वर्किंग है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो माइक है जो हम हेलमेट में लगाएंगे वह है इस तरह का, क्योंकि इसकी वायर बहुत बड़ी थी तो इसलिए मैंने ना काट के बहुत ही शॉर्टली कर दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब इसको लगा देता हूँ, ये हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, और ये मैं जो माइक है मेरा अपने हेलमेट के अंदर मैं इसको अब सेट करूँगा। इसका माइक भी इसमें सेट कर दिया है। ठीक है, तो गाइस, अब मैं हेलमेट को लगाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि इसकी क्वालिटी तो वैसे मैं आपको बाइक पे ही चेक कराऊंगा इसकी। तो फिलहाल मैं आपको लगा के दिखा देता हूं कि कैसा ये सेटअप इसका तैयार कर दिया है मैंने। सो गाइस, कुछ ऐसा इसका लुक है और मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप बन के टेढ़ी हो चुका है। तो गाइस, मैं आपको अब इसका एक्सपीरियंस बाइक पर शो करता हूँ, कराता हूँ कि कैसे आपको इसमें फील आएगा और कैसे आपको इसमें आवाज़ भी आएगी। हेलो गाइस, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इस कैमरे की क्वालिटी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो चुका है यार, फील तो थोड़ा सही दिख रहा है लेकिन यार समस्या ये होगी कि बहनचोद माइक में ना प्रॉब्लम होगी। पूरी वीडियो शूट कर दी और यार पता लगा बहनचोद माइक की सेल ख़राब है यार, दो दो माइक चेक कर लिया यार मैंने बहनचोद, लेकिन समस्या बाद में पता लगी कि मुझे यार सेल में प्रॉब्लम आ गया है। तो भाई वीडियो में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, वीडियो तो क्वालिटी तो बहुत अच्छी आ रही है भाई, और अगली वीडियो में भाई माइक के साथ में डाल दूँगा इसमें, जो कि मैंने माइक अब ठीक कर लिए है अपने भाई, दोनों में नई सेल डाल दिए दोनों माइक में ला के, और अगली वीडियो जो आएगी विद ऑडियो की आएगी। ठीक है गाइस,